Hello and welcome everyone for yet another live session of Together Divine's 222. We'll be starting a live session just in a while. Hello Mandy, how are you? Payal has joined Sleepy Eyes. Hello Jyoti, Maitra. We'll wait for a while. Let everyone join. थोड़ी देर बाद हम लोग बातचीत स्टार्ट करेंगे. हाय मैत्रा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मैंडी. जैसे हर ट्विन फ्लेम का लाइफ होता है, ऊपर नीचे सब चलते रहता है लाइफ में, पर अंतर बस इतना है कि आप लोगों के लाइफ में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे चलता है तो आप लोग जवाब दे देते हो और मैं जूझते रहता हूँ. बस इतना ही अंतर है, नहीं तो किसी भी ट्विन फ्लेम का लाइफ इतना केक वॉक तो होता ही नहीं है. थोड़ा मुश्किल तो होता ही है. हाय पायल, पायल एंड पंखी, नाइस नेम पायल पंखी, राइट. सो बाय द टाइम इन अ मिनट और सो बाय द टाइम अदर पीपल ज्वाइन, देन कैन यू गाइस गेस व्हाट कैन बी टुडेज टॉपिक. बिकॉज आई ऑलवेज, इवन दो आई कम लाइव, मेरा बाकियों के जैसा नहीं होता दैट जस्ट आई पुट ऑन द कैमरा और ऐसा कुछ कर दिया. इट्स ऑलवेज यू नो समथिंग स्पेशल, समथिंग आई डिसाइड, यू नो, आइदर इट्स कम्प्लीटली इम्प्रॉम्प्टू, दैट्स अ डिफरेंट केस. बट नन ऑफ आर लाइव सेशन हैज़ बीन अ टाइम पास काइंड ऑफ अ लाइव सेशन. यू नो मोस्ट ऑफ दिस थिंग्स आई सी दिस डेज यंगस्टर्स लाइव ऑन कर लेते हैं और कुछ भी बोलो, बकवास करो, है ना, मज़ा आना चाहिए. हाल चाल क्या है, चाय पिया कि नहीं पिया, गर्लफ्रेंड्स कितने हैं, बॉयफ्रेंड कितने हैं, है ना, शाम को चाट मसाला खाया या भेलपूरी खाया, ये सब आलतू फालतू जिंदगी को वेस्ट कर रहे हैं सब लोग, ठीक है. तो आज का जो अभी जो जितना आप लोग कितना सेंसिटिव है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ यू गाइज, मोस्ट ऑफ यू प्रोबेबली ट्विन फ्लेम्स. लेट्स सी हाउ मच सेंसिटिव यू गाइज आर. You can look at the picture at the background, the theme music and everything, and you know, let me know that what can be today's theme. Warm welcome to everyone once again, and I'd like to tell you, every time I tell you guys that if you guys want to what you call not miss out on our live sessions and all, then kindly please hit the subscribe button or hit the notification bell icon or the notify button, you know, so that every time, you know, there is the value addition at least. आप लोग के पास डेटा रहता है, आलतू फालतू चीजों में खर्च करते रहते हैं, है ना, मेरे पास भी रहता है. तो मैं क्या है, तो मेरे को तो मेरे जैसा चैनल कोई मिलता ही नहीं कि जिसको मैं सुनूं और फॉलो करूं. आप लोगों के लिए तो एटलीस्ट टुगेदर डिवाइंस है, राइट. तो आप लोग एटलीस्ट, वो तो चॉइस कम्प्लीटली इट्स ऑल योर्स बेसिकली, यू नो, मैं तो कुछ बता नहीं सकता कि आपको कहाँ यूज करना चाहिए. बट आई सपोज एज अ सोल, इफ यू आर बॉर्न ऑन दिस अर्थ एंड आवर चैनल सोल इंटेंशन इज ऑलवेज टू, यू नो, प्रोवाइड सम वैल्यू एडिशंस टू यू सो दैट यू गाइज आर ऑलवेज ऑन दैट ट्रैक, यू नो, सो दैट यू डोंट वेस्ट योर दिस लाइफ टाइम बेसिकली. नहीं तो खाया पिया है ना, उसी में आपका लाइफ चला जाएगा और कुछ नहीं. हर्षा ज्वाइंड लाइव, यू वांट टू शेयर समथिंग हर्षा? हाय भैया, नो बाय मिस्टेक आई ज्वाइंड लाइव. ओके ओके, या हाउ आर यू भैया, लाइव आई. नमस्ते नमस्ते हर्षा, हाउ आर यू भैया, ऑल गुड. कुछ बताना चाहते हो बताओ.
ऑल गुड भैया, बस आपकी ब्लेसिंग्स हैं। ओके थैंक यू। ब्लेसिंग्स मेरा क्या रहेगा यार, मैं तो खुद इंसान हूँ, ठीक है, आप लोग जैसा ही हूँ, कोई मुझे भैया बोलता है, कोई दोस्त बोलता है, कोई कोच बोलेगा, कोई मेंटर बोलेगा, हूँ तो मैं आप ही लोगों के जैसा, कोई साधु महात्मा या हिमालय में बैठ के तपस्या करने वाला बंदा तो हूँ नहीं, ठीक है। तो सही है भैया, लेकिन ब्लेसिंग ब्लेसिंग मांगी तो या भोले। आपकी है, लेकिन जब से मैंने टुगेदर डिवाइन ज्वाइन किया हुआ है, जहां तक मैं जानती हूँ 3 महीने से, कहीं ना जी कहीं से कुछ ना कुछ चेंजेस है लाइफ में, तो मैं ओके, बोलूंगी कि ब्लेसिंग्स हैं आपकी, दैट्स फॉर वही श्योर। मैं हर हर बार मैं आप लोगों को बोलता हूँ, देखो देयर इज नथिंग स्पेशल इन मी और इन आवर चैनल, यू नो, बात सिर्फ इतना है कि चैनल हैज बीन क्रिएटेड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ होली मास्टर्स, विद द पुश ऑफ एंजल्स, है ना। सो वंस यू आर अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, आई सपोज समवेयर और द अदर थ्रू मी और थ्रू द एंजल्स और थ्रू द स्पिरिट गाइड्स, योर ओन एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स एंड द यू नो लॉर्ड शिव, माँ भगवती, आप लोगों के ऊपर वो थोड़ा सा जो है ना अटेंशन, थोड़ा सा वो कृपा बनी रहती है अपने आप, क्योंकि ये चैनल ने कभी भी बकवास करने और टाइम पास में जो है ना ऐसे लाइव बटन दबाने में कभी काम नहीं किया, हर बार कुछ ना कुछ जो है ना आप लोगों के लाइफ में वैल्यू एडिशन देने के लिए, पीपल हु आर डिप्रेस्ड वी आर वर्किंग ऑन यू नो हाउ टू ब्रिंग दोज पीपल बैक ऑन ट्रैक, वी हैव सेव्ड फैमिलीज फ्रॉम यू नो ब्रोकिंग डाउन, मैरिज जहाँ स्पॉइल होने वाला था मैरिज को बचाया है, कई लोग जो जिंदगी से हताश हो चुके थे उनको सेव किया, ब्लैक मैजिक से परेशान लोगों को हम लोगों ने हेल्प किया है, एंड ऑफ लेटली यू वेरी वेल नो वी स्टार्टेड ऑफ विद शिव साधना आल्सो, जो वो चलो इसी बात पे बात छिड़ा है तो मैं बोल देता हूँ बिफोर यू गेट इन टू द टॉपिक, बाय द टाइम वी आर डिस्कसिंग विद हर्षा, आई एम अर्जिंग ऑल द गाइज व्हेवर इज लाइव हियर कि आज का टॉपिक एक बार डिसाइड कर ले, एंड आई विल आस्क हर्षा ऑल्सो टू थिंक ऑन बैक ऑफ द माइंड कि आज का टॉपिक क्या हो सकता है, यू कैन सी द थीम बैकग्राउंड एवरीथिंग ऑल अराउंड एंड यू कैन यू नो जस्ट डिसाइड कि आज का टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है जो मैंने चूज किया है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम एनर्जी वो बाद में करूंगा, आज ट्विन फ्लेम एनर्जी भी कर दूंगा थोड़ा, ठीक है, मेरा तो एनर्जी लेवल इतना रहता है कि सुबह 5 बजे तक भी मैं जग के करते रहूंगा, बस मेरे को चाहिए ऑडियंस चाहिए कि जो इंटरेक्टिव ऑडियंस है ना, जो कि एक्चुअल में डिजर्व करता हो बैठ के सुनने के लिए, यही सब रीजन है कि मैं हमेशा सेशंस को रात में करता हूँ कि सबको रिलैक्स हो, कि आराम से बैठ के सुने, कोई फैमिली मेंबर डिस्टर्ब ना हो, सबको डिनर करके आराम से जब बैठा हो, तो थोड़ा सा क्या है ना कि एंशियंट टाइम में सत्संग हुआ करता था, है ना, सत्य के संग गुरुओं के बीच में रह के गुरुकुल परंपरा में शाम के वक्त ऐसे गुरु वगैरह बैठ के सत्संग किया करते थे, है ना, भजन कीर्तन किया करते थे, स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर, आध्यात्म के ऊपर बातें किया करते थे। आज भी अगर आप छोटे छोटे गांव कस्बों में अगर आप जाओ, हर्षा आई डोंट नो यू आर सोलली फ्रॉम दिल्ली राइट, या कोई गांव कस्बा कोई पंजाब कहीं से है आप लोगों का कोई? सर मैं ना कस्बे से ही हूँ, मतलब इतनी बड़ी सिटी नहीं है भूसावल, बेसिकली मैं वहाँ बॉर्न हुई, बट बाद में मेरे मॉम है ना, मेरे डैड की डेथ के बाद, आई वॉज 9 मेरे डैड की डेथ हुई, तो हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हुए, पर आज भी हमारे वो भुसावल वाले घर को हमने सत्संग के लिए दे दिया हुआ है, 50 इयर्स से गुरु नानक देव जी का सत्संग होता है हमारे घर पे। ग्रेट। तो जो ये एक बोलते हैं ना इस पाथ पे आना, तो वो हमारी दादी जी से हमें मिला हुआ है, मेरे यहाँ मेरे इन लॉज में भी कोई पूजा पाठ करते नहीं है, सिंधी हम सिंधी है, सिंधी लोग इतनी पूजा पाठ नहीं करते हैं, बट फिर भी पैसा छापते हैं जी जी बहुत ज्यादा, तो पैसे को भगवान मानते हैं, खैर वो कोई अलग बात होगी, बट आई एम इनटू लाइक दिस कि मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, मुझे सब लोग बोलते हैं कि तू सिंधी तो है ही नहीं कोई एंगल से, इतनी पूजा पाठ, सुबह में 6 बजे गाय को खाना खिलाने जाती हूँ, रात में कुत्तों को खाना खिलाती हूँ, तो सब लोग लाइक हंसते हैं, बट लेकिन ये कहीं ना कहीं से वो ब्लेसिंग्स भी है जो हमारे घर पे सत्संग हो रहा है वहां से भी आता है, हमने दे दिया हुआ है वो रोज, मतलब कम से कम 150 लीटर
जिनका नाश्ता पानी वगैरह का भी अरेंजमेंट हमारी तरफ से। ओके दैट्स ग्रेट। हाँ चलो तो मैं शिव साधना को लेके एक बार फिर से बता देता हूँ। यू नो जी भैया, मैं जब आज से बहुत साल पहले जब मैं एक अपना एमबीए का इंटर्नशिप कर रहा था, तो पहली बार मैं भोपाल में रहकर इंटर्नशिप कर रहा था एंड 2-3 महीने का ऐसे एमबीए का ये जो इंटर्नशिप था, तो उसमें मेरा पहला सैलरी था इंटर्नशिप से कुछ 6-6.5 हजार रुपए था, आज से कुछ 12-13 साल पहले लगा। एंड आई एम अहमदाबाद का कोई बंदा था जिसका कंपनी था, उसमें मैं काम किया करता था। डेट वॉज ऑल्सो एनजीओ सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओनली लोगों को हेल्प करना, तो लोगों के लाइवलीहुड के ऊपर, गरीबों के जो है ना ये सब लाइवलीहुड के ऊपर ये सब करना था, तो वो प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया। तो उसी समय पे जब मैं भोपाल में रह के ये सब किया, तो सीहोर बोल के एक जगह है, वहां भी मैं रहा क्योंकि गांव कस्बे में जाना, तो वहां से मुझे पहली बार हुआ कि नहीं एमपी में हो बेटा तो जाने लायक जगह वगैरह जो जो है ना थोड़ा देख लो। तो बाकी दोस्त जो मेरे साथ काम कर रहे थे वो लोग बोले कि खजुराहो चलते हैं क्योंकि एक्साइटमेंट है खजुराहो, इफ पीपल डोंट नो इज फेमस फॉर दिस ऑल दिस कामसूत्रा एड्स एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग इन टेंपल्स, तो सब लोगों को था। मैंने बोला यार ये सब चीज तो यार बाद में मैरिड हो लोगों के बाद भी जा सकते हैं, मैं महाकाल जाऊंगा, नर्मदा घाट जाऊंगा, ये सब जो है ना चीजें मैं देखूंगा, ओमकारेश्वर जाऊंगा। तो मैंने ये अपना यात्रा चालू कर दिया। हर वीकेंड्स वगैरह में मैं जो है ना मिले तो महाकालेश्वर जाया करता था, नर्मदा घाट जाया करता था, है ना ये सब चीजें। एंड सीहोर के आसपास भी बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स वगैरह हैं जो कि फेमस नहीं है एमपी में, बट लॉर्ड गणेशा के टेम्पल्स और ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स थे जो कि मैंने दर्शन किए, जो कि शायद दोबारा जाने को नहीं मिले। एंड एमपी के गांव वगैरह बहुत साफ सुथरा है, बहुत अच्छा होता है, लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो मैंने खाना पीना भी बहुत सस्ता, बहुत अच्छा होता है, बस गर्मी थोड़ा प्रचंड होता है एमपी में, नो डाउट राइट। बट एनीवेज, तो हम लोग तो उस समय 10 रुपए का पोहे नाश्ता ये सब जो है ना कर लेते थे, खैर जो भी हो। तो जब मैं महाकालेश्वर टेम्पल गया ना, तो वहां मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैंने 3 बार जल चढ़ाया। एंड उसके बाद जब भी मैं महाकालेश्वर टेम्पल गया, एक बार तो इनफैक्ट मैं गोवा गया था एंड गोवा से वापस आ रहा था, तो मैं गया फ्लाइट से गोवा, पर वापस आते वक्त मैंने बोला नहीं मैं ट्रेन से वापस आऊंगा, क्योंकि ट्रेन से वापस आके मैं एमपी में हॉल्ट करके महाकालेश्वर टेम्पल दर्शन करके फिर मैं वापस आया, ठीक है। तो ऐसा क्रेज हो गया महाकालेश्वर के साथ, शिवलिंग के साथ, एंड एक बार भी जल चढ़ाने के लिए जाओ तो बार बार लाइन में घूम के फिर वापस गया, लाइन में बैठा, फिर दर्शन किया, फिर लाइन में गया, फिर दर्शन किया, ये सब चलते रहता था। तो क्या हुआ कि पंडित लोग भी समझ जाता था कि भाई ये बंदा तो बहुत बार बार जल चढ़ा रहा है, तो बोलता था बस कर बेटा बहुत आपने चढ़ा लिया, दूसरों को भी चढ़ाने दो। तो मैं लोगों को बोलता था, वहां बैठ के इंटरेक्शन करता था कि उज्जैन में रहने वाले लोग तो कितने लकी हैं कि वो लोग को तो रोज भस्म मारते देखने को मिलता है, रोज वो लोग को जल चढ़ाने को मिलता होगा, रोज जब मन करे दर्शन करने को मिलता है, खासतौर पर भस्म आरती जो सुबह 4 बजे होती है। तो मेरे को वहां पे किसी ने बोला कि देखो ऐसा है ना कि आप दूर से आए हैं तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि उज्जैन वाले लोगों को रोज जल चढ़ाने को मिलता है, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं, ठीक है। मैंने बोला फिर कैसा है, बोले देखिए जब महाकालेश्वर का बुलावा होता है, जब वो चाहते हैं ना, तभी इस शहर के लोग भी आ पाते हैं भस्म आरती देखने के लिए, नहीं तो सुबह या तो आंख नहीं खुलेगी या फिर जो है ना आपको किसी काम आ जाएगा या कुछ आप कुछ भी हो जाएगा। एंड लिटरली मैं ही जब फॉर्म भर रहा था भस्म आरती का, तो मेरे साथ एक गोरखपुर का लड़का भी था एंड दोस्ती हो गई, वो भी अकेला घूम रहा था और मैं भी अकेला ही घूम रहा था, तो हम दोनों बोले कि चलो ठीक है कल सुबह हम दोनों मिलते हैं यहाँ पे भस्म आरती के टाइम पे, क्योंकि आप भी भरा मैं भी भरा। पर सुबह जब भस्म आरती खत्म हो गया, सुबह 6 बजे का जब आरती हो रहा था, तब वो बंदा मिला मेरे को। एंड जब वो बंदा से इंटरेक्शन हुआ, तो मैंने बोला भाई आप तो आए ना भस्म आरती दर्शन करने के लिए, क्या हो गया? बोला क्या करे भैया सुबह आंखी ने खुली। मैं बोला यार मैं एक दिन पहले नर्मदा घाट गया, ओमकारेश्वर दर्शन किया, सबसे ज्यादा मैं थका हुआ था, रात को 12-1 बजे सोने गया, फिर भी मैं दर्शन कर लिया। एंड आप एकदम प्रिपेयर्ड थे, वो बंदा उज्जैन छोड़ के कहीं घूमने के लिए भी नहीं गया कि अगर एग्जॉशन हो गया तो सुबह आंख कैसे खुले, और वो बंदा का दर्शन ही नहीं हुआ। तो ये बात मेरे को कहीं ना कहीं क्लिक हुआ कि नहीं, लिटरली जब
ऊपर वाला चाहता है ना, जब भोलेनाथ महाकालेश्वर भगवान शिव जब चाहते हैं ना, तभी आपको ऐसे पुण्य जगहों का दर्शन होता है, ऐसे पुण्य मौकों पे, आरती के समय पे, ऐसे समय पे आप जा पाते हो। नहीं तो उसी शहर में रह के बिना आपका हाजिरी नहीं लगने वाला। सेम चीज जब मैं जगन्नाथ टेम्पल गया तो वहां भी वैसा ही, सेम चीज मैं कामाख्या टेम्पल गया तो वहां भी, मैं ऑलमोस्ट महीने में एक दो बार कामाख्या टेम्पल का चक्कर लगा लेता था। एंड मेरे खुद आसामीज फ्रेंड लोग के जब मैं बोलता था कि मैं माँ का मंदिर होके आया हूँ, तो बोलते कितना लकी है तुम्हें। बोले क्यों लकी, तुम लोग तो यही पैदा हुए, तुमको तो, अरे पैदा होने से क्या होता है यार, हम लोग को इंस्पिरेशन ही नहीं आती, हम लोग से छूट जाता हर बार, या कोई फैमिली बीबी बच्चा कुछ ना कुछ, आपको तो जब मन करे आप पहुंच भी जाते हो, दर्शन भी कर लेते हो, वहां बैठ के साधना भी कर लेते। तो सिमिलरली शिव साधना भी जो हम लोग ने लॉन्च किया है यहाँ पे, बहुत सारे लोग ने क्या है कि या तो इंस्पिरेशन बना नहीं पाते, या फिर इंस्पिरेशन बनाने के बाद भी ना फाइनली अटेंड नहीं कर पाते। ठीक है, अभी रिसेंटली एक बंदे का ऐसा ही हुआ, सी वाज फ्रॉम फॉरेन, तो वो काफी दिन से बोल रहे थे कि सर करते हैं करते हैं करते हैं। मैंने बोला ठीक है, तो अभी उनका आज सुबह ही मैसेज आया कि ड्यू टू द वर्क शिफ्ट्स एंड ऑल आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड, सॉरी। मैंने बोला जैसे महादेव की इच्छा, यही मैंने लिखा, जैसे महादेव की इच्छा। ठीक है, इसमें आपका और उसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, जब ऊपर वाला चाहेगा ना तो रास्ता भी बन जाएगा, कोई डिस्टरबेंस भी नहीं आएगा बेसिकली। एंड ऊपर वाले के ऊपर भी दोष डालना बेकार है एक्चुअली में। ऊपर वाला भी कब आपको अलाउ करता है, जब आप रेडी होते हो उस चीज के लिए। ठीक है, व्हेन यू आर रेडी टू रिसीव द ग्रेस, एट दैट पॉइंट ना कोई बाधा अड़चन आएगा, ना कोई डिस्टर्ब करेगा आपको, ना आप मिस करोगे। ठीक है, ना कोई हिकअप्स आएगा, आप स्मूथली कर लोगे। मैं खुद हर बार जब शिव साधना लॉन्च करता हूँ ना, तो शिवरात्रि के दिन मैं वही प्रे करता हूँ कि आज कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई इंटरनेट का ऐसा इश्यूज ना आए, कोई इंटरनेट का इलेक्ट्रिसिटी का कोई इश्यूज ना आए कि जिसकी वजह से कनेक्टेड लोगों को हैम्पर हो। एंड अभी तक टच वुड जो है ना, आज तक कोई डिस्टर्बेंस आया भी नहीं है। ठीक है, तो वही है, आप लोगों को बस ये है कि इंटेंशन अच्छे डालने हैं कि मुझे भी मौका मिले ऐसे तीर्थ स्थलों में जाने का, मुझे भी मौका मिले अच्छे सत्संग वगैरह में पार्टिसिपेट करने का, मुझे भी मौका मिले ऐसे साधना वगैरह सीखने का, है ना, चाहे मेरे थ्रू या चाहे किसी और के थ्रू, मेरे को भी मौका मिले लाइफ में किसी गुरु के सानिध्य में बैठ के कुछ विद्या अर्जन करने का। ठीक है, जो कि काफी एंशंट है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में जा रहा है। पर अगर आप ऐसे इंटेंशन ही नहीं डाले, आपके माइंड में हमेशा यही है कि मैं कैसे मान लो पैसे के पीछे भागूं, या कैसे कोई लड़की पटाऊं या लड़का पटाऊं, या कैसे किसी को नीचा दिखाऊं, या कुछ भी टाइप का मटेरियल चीजें, ठीक है, तो आपका सारा बॉडी सारा एनर्जी ना उसी चीज में जाते रहता है। कभी भी आप हायर चीज की तरफ आप जाओगे ही नहीं, तो आपको बस इंटेंशन डालना है, बाकी सारा जो है ना, और कर्म अच्छे रखने, साफ रखने, जब राइट टाइम आएगा ना तो ऑटोमेटिकली आपको वो मौका भी मिलेगा। आई एम ऑल्सो वेरी मच सरप्राइज, सारा कुछ ऑर्गेनाइज करके इतने सारे रिमाइंडर्स देने के बाद भी, एंड कई लोग जो है ना अटेंड करूंगा बोल के पूरा निश्चय करने के बाद लास्ट मोमेंट पे गिव अप कर जाते हैं, बोलते हैं कि सर नहीं कर पाएंगे, सॉरी। ठीक है, तो इसमें उनका भी कोई दोष नहीं है, उनके कर्म ही उतना ही था ना कि वो आता हुआ मुंह में जो एक मिठाई भी है, एक तरीके से लगा लो, एक कैडबरी का चॉकलेट है या कोई मिठाई है, अच्छा सा पेस्ट्री है, सब कुछ रेडी है, बस आपको एक बाइट लेना और कुछ नहीं, पर वो भी जो है ना आपसे दूर हो जाता है। मैं आप लोगों को इसी चर्चे में एक और चीज एड ऑन कर देता हूँ। जब मैं पहली बार वैष्णो देवी गया था 2004 में, ठीक है, 2004 में मैं वैष्णो देवी गया था, या 2005 का अर्ली मार्च का अराउंड होगा, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम, लाइक आई वाज लाइक अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, बीकॉम ऑनर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, तो उस टाइम वैष्णो देवी जाने का प्लान करना मेरी बस की बात नहीं था, क्योंकि पॉकेट है ना और इतना आइडिया और ये सब कुछ नहीं था। तो मेरे पास सीनियर्स थे, दो सीनियर्स थे, एक सेकंड ईयर वाले, एक थर्ड ईयर वाले, तो वो लोग बोले कि यार हम लोग वैष्णो देवी का ट्रिप प्लान कर रहे हैं। मैंने बोला मेरे को भी ले चलो, तो वो लोग बोले कि देख तेरे को ले तो चलेंगे, और हम लोग पहले भी कई बार गए हैं तो हम लोग को आइडिया है कहाँ पे ठहरना है, क्या करना है, दुनियादारी, एवरीथिंग। मैंने बोला यही तो चाहिए, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता। तो वो लोग ने क्या शर्त किया है कि देखो पर एक चीज है, आपको एक चीज मैनेज करना। मैंने बोला क्या? तो सीट नहीं है हम लोग के पास, हम लोग ने तो अपना सीट बुकिंग करके रख लिया, आने जाने का पूरा बर्थ बुकिंग है, पर आपको ना हम लोग के साथ एडजस्ट करके जाना होगा, आपका टिकट हो जाएगा पर वेटिंग में।
मैंने बोला ठीक है, अब माता रानी का यही इच्छा, मेरे को तो वैष्णो देवी दर्शन करने को मिले, मैं खड़े खड़े भी चला जाऊं। एंड उस समय क्या होता है ना कि हम लोग इतने यंग और इतने ज्यादा जो है ना जोश में होते थे कि लिटरली ट्रेन में सीट मिले ना मिले खड़े खड़े भी ट्रैवल करने का हिम्मत होता था, ठीक है, वो भी स्लीपर क्लास में। अभी के टाइम में दिल्ली में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के नहीं हो पाता, दिल्ली यूनिवर्सिटी टाइम पे एक थिएटर है बत्रा, आई डोंट नो वो बत्रा थिएटर नॉर्थ कैंपस के पास में अभी बंद हो गया या चालू है, बट मॉडल टाउन के पास या पीछे में बत्रा बोल के था, तो वहां पे हम लोग जाया करते थे मूवी टिकट देखने, 30-35 रुपए का टिकट हुआ करता था। एंड हम लोग खाना वाना खा के ऐसे चले, और वही हम लोग को बहुत ज्यादा लग्जीरियस लगता था। बाद में पीवीआर वगैरह का कंसेप्ट आया, मल्टीप्लेक्स वगैरह आए, उस टाइम उतना ज्यादा नहीं था, था पर बस रिसेंटली स्टार्ट हुआ था। साउथ दिल्ली वगैरह जाना पड़ता था अगर पीवीआर वगैरह में जाना पड़े, नॉर्थ की तरफ तो कोई अच्छा कोई थिएटर्स था भी नहीं, तो बत्रा में। तो रिसेंटली एक बार मैं अपने भैया से ऐसे मिलने के लिए, फ्रेंड से, तो मैंने बोला भैया अब तो मैं जो है ना आपको स्पॉन्सर करूंगा, बोलो मूवी देखते हैं, खाना पीना जो करना मैं करूंगा आपके लिए। बोलेगा ठीक है, तो मूवी देखने का, मैंने बोला बत्रा चलते, पागल हो गया बत्रा में कुछ जाएगा, पीवीआर चलते हैं। बोले नहीं भैया, हर बार तो हम लोग बत्रा में ही देखते थे, तो अब देखने में क्या बुरा है, बत्रा का सबसे जो बेस्ट टिकट होगा ना वो लेंगे हम लोग। बोले ठीक है, पर तो देख लेना, तो झेल नहीं पाएगा। मैंने बोला क्यों? वो बोले देख ले, उस टाइम का तेरा बॉडी शरीर अलग था, अब तेरा लग्जरी लेवल हो गया, वहां बत्रा में एसी वेसी कुछ नहीं, आप पक जाओगे। एंड लिटरली वही थिएटर मेरे को चुभ रहा था, जिसको हम लोग एक जो है ना एक लेवल मानते थे कई साल बाद, तो अब जाके उतना मेहनत नहीं हो पाती, पर तब हो पाता था हम लोग। तो वैष्णो देवी का जैसे वैष्णो देवी का इसी थॉट में ना हम लोग चले गए, प्लान कर लिया कि ट्रिप चलो वैष्णो देवी चले जाते। एंड पूरा रास्ते में मेरे को सीट वीट कुछ नहीं मिला, मतलब मेरे को ऐसा इमेजिन था कि सीट वीट नहीं मिले, ठीक है, और मेरे को ऐसे जाना पड़ेगा। ठीक ट्रिप के 2 दिन पहले, ठीक है, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, 1 दिन पहले, आई डोंट नो, एकदम ट्रिप के 1-2 दिन पहले खबर आया कि यार ऐसा है, जो एक वो भैया का सीट था ना, तो वो सीट जो है ना वेस्ट होने जा रहा है, क्योंकि उनको अर्जेंटली घर में काम आ गया, घर वालों ने बुला लिया है, तो क्या करना है। वो बोले कि तुम अपना टिकट कैंसिल कर लो और उसी के टिकट में चल लेना, क्योंकि कंफर्म्ड बर्थ है। एंड आना जाना लिटरली जो बंदा किसी और ने जो बर्थ बुक किया था, मस्त अच्छा लोअर बर्थ, ठीक है ना, अच्छे से आना जाना उसकी सीट में, उसकी बुकिंग में, उसके होटल बुकिंग में मैं जो है ना करके आ गया। उस समय उतना कोई आधार वाधार का, कोई आधार कार्ड का लफड़ा भी नहीं होता था, कोई भी किसी का टिकट यूज कर लेता था, तो हम लोग कर लिए। तो ऐसे लाइफ में ना मेरा हर बार ऐसा हुआ है, जिस ट्रिप में मेरे को जाना भी था शायद मैं अनकंफर्टेबली जाता, मेरे आराम से सीट मिल गया, अच्छा सीट मिल गया, ठीक है, तो सभी ऊपर वाली की मेहर होता है, हम लोग को सिर्फ इंटेंशन डालना होता है, ठीक है ना, सामने वाला आपका रास्ता खुद ही जो है ना आसान कर देगा। बिल्कुल तो सही है राइट, एकदम। ये तो हमारे साथ भी बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे ही हुए सर। अचानक बन जाता है कुछ प्रोग्राम और जाते हैं। अभी मंदिर भी है, महाकाली मंदिर के साथ आपको पता होगा, सिद्धि माता का भी मंदिर उज्जैन। तो कहाँ का मंदिर? उज्जैन, उज्जैन उज्जैन, तो यस, महाकालेश्वर है ना, वही हर हाँ, बहुत बड़ा है कहते हैं। हर सिद्धि माता का मंदिर। हाँ, तो कितनी बार ऐसा हुआ है सर कि हम कोई 7 बजे ही मंदिर देखती हूँ हमेशा आरती के टाइम। मेरी मैरिड है तो आपका आपका आवाज थोड़ा फ्लिकर कर रहा है, आप शायद इंटरनेट नेटवर्क जोन से थोड़ा इधर उधर हो गए हैं, आप एक बार देख लो, क्योंकि हाँ सर, एक सेकेंड ना, मैं आती हूँ रेंज में। पहले आपका सिग्नल बहुत अच्छा आ रहा था। वो थोड़ा सा, हाँ देखो अभी आएगी आवाज हाँ, अच्छी। अभी अभी ठीक है, हाँ राइट, सर, ऐसे हुआ है मेरा कितनी बार कि उज्जैन में गई ना दर्शन के लिए महाकालेश्वर, वहां से हम हर सिद्धि माता मंदिर भी जाते हैं, तो 7 o'clock ही मैं हमेशा पहुंची हूँ वहाँ 5-6 बारी, और मुझे हमेशा आरती मिलती है वहां की। तो ये एक्सपीरियंस हुए हैं मेरे साथ भी, होते हैं, पर हम कुछ नहीं होते हैं उसमें, बुलाने वाले वो ही होते हैं, ये बात सच है। राइट राइट, यस, वेरी ट्रू। अब सर करना ही है क्योंकि अब आपके नोटिफिकेशन भी दिख रहे हैं मुझे, और मैं इतनी रात में भी हूँ कांटेक्ट में, अदरवाइज 10:30-11 बजे सो जाती हूँ मैं। एक्चुअली मेरा मैं प्रॉब्लम आइडियली तो ये मैं सबको बोलना चाहूंगा, सिर्फ मेरे लाइव सेशंस के लिए आप लोग जगते हो तो बात अलग है, क्योंकि हम लोग तो कभी कभी
जागरण भी कर लेते हैं है ना, माता रानी का कभी शिवरात्रि में, तो वो सेपरेट है। हम लोग का कल्चर भी बोलता है कि कभी जागो आप कोई सत्संग करने के लिए, कोई वैल्यूएबल ज्ञान का बात करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए आप जागो। एज अ स्टूडेंट्स आपको पढ़ाई करना है कभी, आप जागो। बट डेली बेसिस में ना, भले मैं भी ये उतना कर नहीं पा रहा हूँ, पर प्रैक्टिकली डेली बेसिस में आपका जो आदत है ना, 10, 8, 10, 11 बजे तक सो जाना, बहुत बहुत अच्छी आदत है। आप लोग को ऐसा ही करना चाहिए। कोई भी बंदा जो देर रात तक जगता है, इंटरनेट ब्राउजिंग करते रहता है ना, तो माइंड उसका कभी पीसफुल होता नहीं। इसीलिए ठीक है, मेरा तो काम ही ऐसा है। तो मैं इसीलिए सर 2-3 बार जो हुआ है ना, मतलब मुझे इतनी नींद हो रही भरी रहती है आंखों में, मुझे जागे नहीं जाता है। और दिन भर क्या होते हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां होती है, घर के लोगों का केयर करना होता है, बच्चों की स्कूल वगैरह पहले तो हुआ करती थी, अभी तो मेरे बच्चे काफी बड़े हैं, मुझ पे ही डिपेंडेंट है। अब 9 बजे भी उनको ऑफिस निकलना है, नाश्ता हाथ में देना है, सब घर में है, सब है, लेकिन हमें भी तो अवेलेबल होना होता है ना, तो एक आदत ही हो गई है जल्दी सोना जल्दी उठना, तो वो नहीं पाता है। पर मैं करूंगी सर, बहुत अच्छा है। एक बार तो थोड़ा सा आप देख लो, मेरी तरफ से तो इंटरनेट सही होना चाहिए। पर मैं अभी रूम में आ गई ऊपर, तो मैं जो ना यही बोलूंगा कि आप लोग टाइम पे ही सोइए। ठीक है, लेट नाइट जगने का ये सब आप मत ही करो तो ज्यादा अच्छा है। पर लेट नाइट कौन जग सकता है? ठीक है, कम घंटा भी सो के जो है ना चल जाएगा किसी किसी के लिए। वो कौन हो सकता है? जिनका मेडिटेशन में काफी अच्छा जो है ना टाइम बीतता हो। ठीक है, वो मेडिटेशन में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करता हो ना, वो लोग 2-3 घंटे या 1 घंटे का नींद में भी काम चल जाएगा। पर उसके लिए आपको इंटेंसिव मेडिटेशन पूरा कनेक्ट होके आपको 1 घंटा मेडिटेशन करना पड़ेगा। आप 1 घंटा मेडिटेशन अगर कर सकते हो ना, तो आपको दिन में 2-3 घंटे का नींद में भी आप एनर्जेटिक फील करोगे, नींद की कमी महसूस नहीं होगा। चीज वही है, चाहे आप मेडिटेशन से अपने आप को चार्ज अप करो, चाहे आप क्या बोलते हैं सो के चार्ज अप करो। अगर आप सोते हो तो 6 से 8 घंटे की नींद मिनिमम चाहिए ही चाहिए। 7 आवर्स आप लगा लो आइडियल में, बीच में ना 6 याद करना ना 8 याद करना, 7 घंटा रोज आपको सोना ही है। एंड बाकी जो है ना, आप अगर नहीं ऐसा कर सकते लेट नाइट जगने का, इनकेस किसी को आदत भी है, तो 1 घंटा बैठ के आप इंटेंस मेडिटेशन करो अकेले में, फिर आप कम भी सोओगे ना तो आपको हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये आप कर सकते हो क्योंकि अभी के जनरेशन के हिसाब से बोलना पड़ता है। अगर मैं सबको बोलूं रात को मत जगो, तो सबको ही बोलेगा सर आप तो जगते रहते हो और दूसरों को बड़ा ज्ञान बांट रहे हो। ठीक है, तो अभी वो बोलना भी बेकार है। एंड ज्यादातर एक्टिविटीज, क्योंकि इतना गर्मी है तो सबको 12-1 बजे तक तो नींद भी नहीं आती, सबको माहौल ही ऐसा रहता है ना, उसके बाद नींद आती है। तो बहुत सारा चीज है। अब यही जैसे मैं लगा लूं आपको एमपी के कस्बे का, छोटे छोटे गांव में तो लोगों के पास क्या ज्यादा एंटरटेनमेंट का ऐसा कोई आदत भी नहीं होते, वो लोग तो 10-11 बजे तक सो ही जाते हैं मजबूरी में, क्या करें, एंड सुबह जल्दी उठ जाते हैं। ठीक है, तो यही है। चलिए, आज के एक जो टॉपिक एंड थीम जो मैंने डिसाइड किया, वो किसी ने गेस किया अब तक? क्योंकि हम लोग तो अभी हर्षा से बात कर रहे थे एंड बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन हम लोग का हुआ, नो डाउट उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बट हर्षा आपको भी पूछ रहा हूँ, आज का थीम कोई बता सकता है? किसी ने गेस किया अब तक? सर ये तो लव का ही सिंबल है, तो ट्विन फ्लेम वगैरह ही लग रहा है सर। चलिए चलिए गेस कीजिए। नहीं, ट्विन फ्लेम को लेके बात नहीं कर रहे हैं अभी। अच्छा, क्योंकि हम लोग ट्विन फ्लेम चैनल होने के बाद भी ना कभी भी ट्विन फ्लेम एडिक्शन में किसी को भी आज तक फंसाया नहीं। ठीक है, मैं चाहूँ तो रोज आप लोग एनर्जी चैनलिंग सुना सुना कि आपके अंदर वो आपके ब्लड में मैं ट्विन फ्लेम को घुसा दू, इतना एडिक्टेड बना दू कि आप लोग जो है ना बोल दो कि सर नहीं, मेरे को ट्विन फ्लेम के बिना जिया नहीं जा रहा, बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं ऐसा करता ही नहीं कभी। मेरा ये है कि आप लोग मिस भी करना है तो गॉड को मिस करो, बोलो कि सर मन नहीं लग रहा, एक बार कान्हा जी का दर्शन हो जाए, एक बार बांके बिहारी का दर्शन हो जाए, एक बार जो है ना महादेव का कोई ऐसा कोई जो है ना भजन सुना दो आप, या कोई ऐसा कुछ, तो फिर मजा भी आए कि चलो मिस भी कर रहा है तो किसको, ऐसा सुपर पावर को। ठीक है ना, या मिस भी करो तो अपने पेरेंट्स को मिस करो, अपने बच्चों को मिस करो, वहां भी ठीक है। ट्विन फ्लेम को आप मिस कर रहे हो, जो कि मतलब मिस भी नहीं करना, एक तरह टेक्निकली देखा जाए। इसी जो है ना कॉन्टेक्स्ट में मैं एक इंसिडेंट सुना देता हूँ, मीनवाइल आप लोग तब भी सोचे कि थीम क्या है। एक बार क्या होने के, राधा रानी ने कृष्ण जी को बोला कि
कृष्ण ऐसा है, राधा थोड़ा कृष्ण से उम्र में बड़ी थी तो, और वैसे भी आप देखा जाए तो हर डिवाइन फेमिनाइन यूजुअली 90% ऑफ द केस में डिवाइन मैस्कुलिन से उम्र में बड़ी रहती है, चाहे एक दिन से हो, एक घंटे से हो, या 10 साल 20 साल 50 साल भी हो सकता है, हर बार डिवाइन फेमिनाइन थोड़ा उम्र में बड़ी रहती है, ठीक है। तो राधा थोड़ा उम्र में बड़ी थी एंड कल्चरल मिसमैच था, कृष्ण था थोड़ा सरपंच का बेटा जैसा, है ना, राजा का बेटा, तो फैमिली वाले उतने आसानी से वो लोग का शादी करा नहीं रहे थे। बट एक दिन राधा रानी ने बोला कि कन्हैया हम जो है ना विचार कर रहे थे कि क्यों ना एक बार जो है ना आप सोचो कि परमानेंटली हम लोग एक यूनियन में आ जाए, हम लोग शादी कर लें। तो जैसे ही ये बात बोला, वो लोग जैसे शाम को घाट में कहीं पे मिलते थे, तो नदी किनारे या कोई सरोवर किनारे, तो जैसे ये बात हुआ तो कृष्ण जी ने अपना मुंह फेर लिया, पीठ दिखा दिया राधा रानी की तरफ। ये सुन के, ये देख के राधा रानी को बहुत पीड़ा हुआ, क्योंकि राधा का प्रेम है भाई, आजकल के जैसा हवस और लस्ट वाला प्रेम तो है नहीं, कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिसको पसंद करते हो उसने ऐसा कर दिया। तो उनका दिल बहुत दुखा कि मैंने मैरिज का प्रपोजल रखा, शादी करने की बात किया और कृष्ण ने पीठ फेर दिया, मुंह फेर लिया मेरे से। तो राधा रानी बोली कि मेरे से ऐसा क्या गलती हो गया प्रभु, अगर मेरा ये बात सुन के अगर आपको हर्ट हुआ है, अगर आपका जो है ना चित दुखा है, तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं आज के बाद कभी भी शादी का बात आपसे करूंगा नहीं, आपको इच्छा हो तो आप मेरे से शादी करो, आपका नहीं तो मत करो। तो ठीक है, यमुना घाट होगा शायद, सीमा जी बोल रहे हैं, तो यमुना घाट में है ना वो लोग मिले। तो ये बात हुआ तो कृष्ण जी जो है ना कुछ बोले नहीं, शांत थे। तो राधा रानी काफी ज्यादा उनसे रिक्वेस्ट किए कि कृष्णा बात क्या है बताओ, तुम तो मेरे से मुंह ही फेर लिए, मेरा इंटेंशन तो तुमको दिल दुखाने का था नहीं, पर तुम ऐसा मुंह फेर लिए तो मेरा गलती क्या है ये बता दो। तो कृष्ण जी जब मुड़े तो कृष्ण का स्वरूप पूरा राधा रानी जैसा हो गया था, ऊपर से लेके सर से पांव तक नीचे तक बिल्कुल राधा रानी जैसा बन गए थे, वैसा दिख रहा था उनका पूरा शरीर और उनका बदन एक तरीके से पिघल रहा था। तो राधा रानी बोले कि कृष्णा आप तो बिल्कुल मेरे स्वरूप ले लिए हो। तो कृष्णा बोले यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं शादी किससे करूं, आपसे शादी करने के लिए तो दो इंडिविजुअल की जरूरत पड़ती है, और मेरे अंदर तो आप हमेशा रहते हो, जब आप मेरे अंदर हमेशा रहते हो, मैं आपके अंदर हमेशा रहता हूं, ठीक है, तो मैं आपसे शादी कैसे करूं, समझ रहे हैं? तो ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट यही है, जब आपका ट्विन फ्लेम आपके अंदर ही है, ठीक है, तो आप उसको मिस कैसे कर सकते हो? अगर आप मिस भी किया तो अपने अंदर आप उसको एक्सपीरियंस कर भी सकते हो अगर आप चाहो तो, क्योंकि आप ही का ट्विन फ्लेम है, आप ही का एनर्जी, आप ही का सोल है। पर लोग उस तरीके से ट्विन फ्लेम को याद नहीं करते, लोग बॉडी कॉन्शियसनेस में फंस के याद करते हैं, जबकि हमारे धर्म ग्रंथ में, स्टोरीज में अगर आप देखो तो सब जगह जो है ना ये सब चीजों को दर्शाया गया है, ये सब चीजों को बोला गया है। अर्धनारेश्वर रूप जो है शिव पार्वती का, वो भी यही दर्शाता है। राधा कृष्ण का कभी भी लाइफ टाइम में शादी नहीं होना, इसका भी 16108 गोपियों के साथ उन्होंने शादी कर लिया, एक राधा रानी में ऐसा क्या था जो वो नहीं कर सकती थी, नहीं कर सकता था कृष्ण, कर सकता था पूरा, पर वो यही दिखाना चाह रहा था दुनिया को कि यार जो चीज हमेशा मेरे साथ ही है उसको मैं अलग बॉडी कॉन्शियसनेस में मर्ज होके क्यों दिखाऊं। राधा के साथ हमेशा कृष्ण है और कृष्ण के साथ हमेशा राधा है, और ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं वृंदावन में, जहां जाओगे लोगों से भी पूछोगे तो बता देंगे, या फिर आप इंटरनेट में भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। एंड इस बात से ना बहुत सार बार ये जो रानियां थे कृष्ण के, इंक्लूडिंग रुक्मिणी एंड अदर रानियां, वो लोग को बहुत जलन होता था कि हम लोग खूबसूरती में नंबर वन रानियां हैं, सब कुछ है, पर फिर भी कृष्ण हमेशा राधा राधा, मुंह में हमेशा राधा, ऐसा क्या है राधा में, ऐसा क्या बात है जो हम में नहीं है, है ना, हम लोग भी ब्यूटी क्वीन है, हम लोग भी सब कुछ गुण है हम में, पर राधा में ऐसा क्या है। तो इस बात पे भी कई बार जो ना रानियों ने जाके चेक करने का कोशिश किया,
उनको लगा राधा कोई महलों की रानी ऐसा वैसा होगा, तो राधा से मिलने के लिए गई रुक्मिणी। हाँ. उन्होंने देखा है तो सिंपल एक लाइफस्टाइल में जी रही है, ठीक है ना। yes. तो राधा रानी से मिलने के लिए गए तब उनको एहसास हुआ, ठीक है। एंड ऐसे बहुत सारे स्टोरीज वगैरह हैं yes. कि इधर कृष्ण के शरीर में घाव होता था तो उसका निशान राधा के शरीर में दिख जाता था, राधा के शरीर में कोई घाव हो जाता था तो उसका निशान कृष्ण के शरीर में दिख जाता था। इसी की ना एक स्टोरी है कि रुक्मणी जी बहुत इंसिस्ट करती है कृष्ण को कि ऐसे रानी में क्या है, मैं देखने जाऊं। तो कृष्णा जी परमिशन देते हैं, कहते हैं जाओ। तो फिर ये आते हैं एक मतलब वन में देखने आते हैं राधा रानी जी को और मिलते हैं। राधा रानी जी भी बहुत खूबसूरत है और रुक्मणी जी भी बहुत खूबसूरत है। तो रुक्मणी जी मिलती हैं तो देखती हैं कि राधा रानी जी का पूरा थ्रॉट गला सूजा हुआ है, लाल हुआ पड़ा है। उनको पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्या, आप बात क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो राधा रानी मुस्कुरा कर कहती है कि कल रात को आपने कृष्ण जी को गर्म गर्म दूध दे दिया तो मेरे उनके मतलब कृष्ण जी गर्म दूध पीते हैं और गले में शाले इनके हो रखे थे। तो रुक्मणी जी को समझ जाता है कि ये दो नहीं है, एक ही सोल है। एंड फिर वो आ जाती है वापस और कृष्णा जी को बोलती है कि मेरी गलती हुई कि मैं दो समझ बैठी, आप लोग तो दोनों एक ही है। ऐसी स्टोरीज तो हमने भी बहुत सुन रहे जी। तो बहुत अच्छा हर्षा जो आपने भी एक चीज ऐसा सुनाया, बट मेरा ये कहना है ना कि हम लोग ने ना स्टोरीज को सिर्फ स्टोरीज तक ही रखा। बचपन में एक टाइम था जब हम लोग रामायण महाभारत देखते थे या फिर किसी के दादा दादी वगैरह के मुंह से जब सुनते थे ये सब कहानियां, तो हम लोग एक कहानी के तौर पे सुनते थे। अब वो टाइम नहीं है कि राम को हम लोग जो है ना एक अलग एंगल में जो है ना एक देवीय रूप में पूजें और कृष्ण को अलग ही देवीय रूप में पूजें, ऐसा नहीं, ये बेवकूफी नहीं करना चाहिए। वो सब लोग इंसान के स्वरूप में धरती में पैदा हुए थे, आपके जैसा हम लोग के जैसा जीवन बिताए हैं, जंगलों में भटके हैं, युद्ध किया है, खाना पीना खाया है, शादी किया है, जो ना रोया है धोया है, सब काम किया है धरती पे। तो वो लोग को आप इस तरीके से देखो कि वो लोग भी एक इंसान ही थे, सुपर कॉन्शियस पीपल थे। एंड वो लोग ने अपने कर्मों की वजह से अपना एक ऐसा लेगेसी छोड़ के गए जैसे बुद्ध हो गए, है ना, कि आज के डेट में उनके एग्जाम्पल्स हम लोग के लाइफ में एक मार्गदर्शक का काम करना चाहिए कि लाइफ कैसे जिया जाए, है ना, जिंदगी कैसे बिताया जाए। पर कोई ऐसा करता नहीं है, सब कोई उसको सिर्फ कहानी के रूप में ही देखता है, एंटरटेनमेंट है, इट हैज बिकम एंटरटेनमेंट। रामायण हैज बीन रीमेड आई डोंट नो सो मेनी टाइम्स, महाभारत हैज बीन रीमेड सो मेनी टाइम्स बिकॉज़ इट इज द हाईएस्ट सेलिंग एपिक प्रोडक्ट, है ना, वेब सीरीज आप लगा लेते हैं, इट इज द हाईएस्ट सेलिंग वेब सीरीज। एक बार लॉन्च हो गया तो लोग का टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको पूरा ग्लैमरस वे में स्टोरी को प्रेजेंट कर दिया जाता है, तोड़ मरोड़ के ऐसा वैसा। पर उसमें जो लर्निंग्स है वो अगर हम लोग सीख लेना तो हम लोग का लाइफ जो है ना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आज भी बोला जाता है कि आपका कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, आपको कुछ नहीं करना है, रोज शाम को सोने से पहले एक बार भगवद गीता पढ़ लो, आपका लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसका कहीं ना कहीं आपको जवाब भगवद गीता में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते, पर लोग करते नहीं है, ठीक है, लोग करते नहीं है, लोग आलतू फालतू इधर उधर भटकते रहते हैं। एंड जितने भी चैनल्स हैं ट्विन फ्लेम रिलेटेड वो यही तो कर रहे हैं, आप लोगों को भटका रहे हैं। अब देखिए मैंने ये कहीं पे ना ये भगवद गीता खरीदा था, इतना छोटा पॉकेट मिनी भगवद गीता है, इकोनॉमिकल भी है और ये कहीं भी जो है ना आप लेके घूम सकते हो, ट्रैवलिंग कर सकते हो, ठीक है ना। कहाँ से लिया? इसमें भगवद गीता वगैरह आई डोंट नो ये कहाँ से मैंने लिया, गीता प्रेस गोरखपुर ये काम करता, हाँ गीता प्रेस गोरखपुर का लोगो भी है पीछे, okay. गीता प्रेस गोरखपुर का है, ठीक है, बहुत ही कॉस्टली, देखिए मूल्य सिर्फ 30 रुपए लिखा है, 30 रुपए का ये, कितना अच्छा सर और बढ़िया है। तो पर इसमें क्या ना कि आपको फिर सिर्फ संस्कृत है, इसमें आपको वो नहीं मिलेगा, आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगा इसमें। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं दूसरा वाला भगवत गीता मैंने रखा है, ये मैंने कोलकाता से लिया था, ठीक है, ये काफी अच्छा एक ऐसा कवर में आता है ये, ठीक है। तो ये मैं जो है ना इसको रखता हूँ और कभी भी जो है ना मेरे को ऐसा कुछ होता है मैं 2-3 लाइन्स इसके पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ पे नीचे है जो है ना सारे एक्सप्लेनेशन वगैरह है इंग्लिश में दिया हुआ, तो मैं देखता हूँ कि हर बार मैं कुछ पन्ने भी पढ़ता हूँ ना तो मेरे को गाइड वो मोटिवेशन वो एनर्जी मिल जाता है। तो आप सोचो अगर आप वाकई में लाइफ में क्राइसिस है
तो इधर उधर भटकने से अच्छा आप भगवद गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, कुरान पढ़िए, जिस भी धर्म से आप हैं, बाइबल है बाइबल पढ़िए, वहां पे आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। पर लोग ये नहीं करेंगे, ना ही जिस चैनल से आप जुड़े होते हैं वो आपको ये सब चीजों में बताते हैं, उल्टा क्या करते हैं, नहीं लगे रहो या ना पढ़े रहो। एंड जितने भी धर्म हिंदुइज्म के बाद आए, चाहे जैनिज्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, ना यहाँ पे और ज्यादा रिफाइन कर दिया है, बुद्धिज्म हो, सिखिज्म हो, है ना, बहुत ज्यादा यहाँ पे रिफाइन कर दिया, फाइन ट्यून कर दिया, आपको क्लटर को हटा दिया। हिंदुइज्म तो बेसिकली सनातन धर्म इतना ज्यादा वास्ट है ना कि आप उसको पढ़ते पढ़ते ग्रंथ पुराण आपका जिंदगी उम्र खत्म हो जाएगा, फिर भी आप खत्म नहीं कर पाओगे। पर अभी के जो रिसेंट जो यंग जो धर्म वगैरह है ना, उसमें इतना ज्यादा फाइन ट्यून और रिफाइन कर दिया कि आप थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे ना तो आपको मिल जाएगा। एंड भगवद गीता यही करता है बेसिकली, आपको बहुत सारा पुराण और बहुत सारा ग्रंथ को ना निचोड़ करके, एक सार करके आपको कर्म योग धर्म योग के तरफ जो है ना आपको डाल देता है। तो बहुत ज्यादा पुराण वेद पुराण पढ़ते रहोगे, शास्त्र अर्थ वेद यजुर्वेद पढ़ते रहोगे ना, आपको कभी पढ़ाई खत्म नहीं होगा, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। आप सिंपल भगवद गीता पढ़ लो, आपको मुश्किलें आसान हो जाएगा। सर एक और ये भी है बात कि हम लोग है ना गुरु नानक देव जी को बहुत मानते हैं, कि हम सारे हिंदी तो आए पाकिस्तान से और उनका जन्म वहीं हुआ है, तो हम कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में अटकते हैं ना तो हम जाते हैं गुरुद्वारा में और वचन निकालते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम होती है ना सर, मैं आपको सच बोल रही हूँ मन से कि 50-51 टाइम्स मेरे लाइफ में ऐसा होता है कि मैं बहुत प्रॉब्लम में अटकी हूँ, जाके वचन निकलवाया है और एग्जैक्ट सही वचन निकलता है, मतलब सही थॉट्स निकलते हैं। तो जो भी हम डीटी को, हम लोग जिस भी भगवान को, जिस भी हम उस मतलब सर्वशक्ति को मानते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें रास्ता दिखाती है, ये बात तो सच है। राइट, जैसे आपको महादेव जी बुलाते हैं एकदम प्यार से, तो ये भी उनका रास्ता ही है ना सर जो वो दिखा रहे हैं। मैं हर बार शिव साधना में वही, इसीलिए लोग जब मेरे को थैंक यू बोलते हैं, मैं बोलता हूँ मेरे को थैंक यू मत बोल भाई, मेरे को थैंक यू बोलना है बोल ले कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने एज अ एक पोर्टल का काम किया आप लोगों को जोड़ने का। पर मेरे बुलाने पे भगवान शिव अगर आ जाते हैं ना, तो उसमें भगवान शिव का महानता है, मेरा क्या है, मैं बुलाऊं अगर वो ना आए तो फिर साधना एक टाइम पास बन के रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। मेरी रिक्वेस्ट है वो आज आपके अंदर भी वही है, हम तो उनको ही बोले थैंक यू सो मच। हाँ राइट, आपके अंदर भी तो वही भोलेनाथ जी दिखे और क्या। नहीं, आपको डाउन टू अर्थ रखने का भी तरीका है हर्षा, कभी भी ना आपको क्रेडिट लाइफ में नहीं लेना चाहिए, चाहे कॉर्पोरेट में आप काम करो, कोई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोले, आप टीम के ऊपर डाल दो, ये मैंने नहीं किया, ये मेरा टीम ने किया, ठीक है ना। कभी भी आपको जो है ना ऐसा, और हमारे गुरुओं ने भी यही हम लोग को सिखाया है, ठीक है ना, कभी भी, और मैं भी सबको यही सिखाता हूँ। आप लोग रिसेंट मंथ का अगर शिव साधना के पोस्ट डिस्कशन वीडियो को जाके आप यूट्यूब में देखो, तो उसमें भी मैंने वो लोग को एंड में यही बताया है कि आप अगर ये साधना करते रहो तो कल के डेट में हो सकता है आपके साथ भी ऐसा मैजिक हो जाए कि आप किसी को बोल दो, कोई बीमार है, आपने बोल दिया कि चलो तुम ठीक हो जाओ और वो हो गया, आप किसी का काम अटका, आपने बोला चलो हो गया, आपका दिल से दुआ गया, उसका काम हो गया, तो आपको एक घमंड आ सकता है कि यार मैं जो भी बोलता हूँ हो जाता है यार, मैं तो बाकी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग से काफी ऊपर। तो ये कभी ना आए बोल के ना, इसको जड़ से ही खत्म करने के लिए कभी भी क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। तो जब आप क्रेडिट लेने का आदत ही बंद कर दे, तो जब आप क्रेडिट लेते ही नहीं हो, तो एक जो है ना एक पैटर्न बन जाता है आपका साइकोलॉजी में, एक माइंडसेट में, कि आप कभी भी क्रेडिट नहीं लेते हो, आप क्रेडिट हमेशा किसी और को दे देते हो, ठीक है, एंड उसकी वजह से आप हमेशा डाउन टू अर्थ एंड हम्बल रहते। तो ये एक तरीका है, हम लोग को भी गुरुओं की तरफ से सिखाया गया है। एंड अगर आप जॉब भी करो तो कॉर्पोरेट में भी ना एक अच्छा बॉस अगर आपको मिले तो वो आपको हमेशा यही बताएगा, अगर अच्छा बॉस ना मिले तो वो ये सब चीज नहीं सिखाएगा, दीज आर कॉर्पोरेट ट्रिक्स एंड साइकोलॉजी हाउ टू यू नो अचीव इन कॉर्पोरेट। बट वहां भी यही है कि कभी भी आपको कोई भी अचीवमेंट करे, भले कितना बड़ा आपने मार्केट शेयर जंप कर दिया हो, सेल्स ग्रोथ कर दिया हो, बड़ा सा अचीवमेंट हुआ, ऑलवेज गिव क्रेडिट टू द टीम, है ना, सर मैंने नहीं किया, ये तो मेरा टीम का बदौलत है, एवरीबॉडी गिव देयर कंट्रीब्यूशन, इसीलिए उनकी वजह से, जबकि ड्राइविंग फोर्स आप ही हैं, आप ही ने तो ड्राइव किया, तब ना जाकर टीम ने भी काम किया, पर क्रेडिट कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो यही है, इसीलिए मैं भी कभी, मेरे गुरु ने भी मना किया हमेशा क्रेडिट लेने से, उनको भी मैंने कभी नहीं देखा क्रेडिट लेते, वो भी अपने गुरुओं के ऊपर, जैसे हम लोग जो है ना शिव
का जो गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो हमारे गुरु वगैरह तो वर्ल्ड फेमस गुरु वगैरह है, सब दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है। मैं बस अपने आप को इतना काबिल नहीं मानता हूँ कि मैं नाम भी कभी उन लोगों का उच्चारण करूँ, और मैं कभी नहीं बोलता हूँ। एक आधा बार कभी किसी को रिसेंटली मेरे ख्याल से किसी ने पूछा था तो मैंने बता दिया था, पर बस एक ही बार, मैं बार बार अटर भी नहीं करता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस लायक हूँ कि मैं कल के डेट में मेरी वजह से मेरा गुरुओं का कोई जो है ना नाम खराब कर दे, तो इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। वेल्स हमारे गुरु और उनके गुरु वगैरह इतने वर्ल्ड फेमस है कि जगह जगह उनका मंदिर है, बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है, ठीक है, एंड उनके कहानियां वगैरह तो इतने फेमस है कि मतलब बस बोलना शुरू करूं तो युग बीत जाएगा, ठीक है, इतना ज्यादा। पर मैं कभी नहीं करता हूं, क्योंकि गुरुओं ने हमेशा यही बताया, क्रेडिट हमेशा कभी नहीं लेना। क्रेडिट आप गुरुओं के ऊपर दे दो, ठीक है ना, क्रेडिट आप एंजल को डाल दो, क्रेडिट आप भोलेनाथ के ऊपर डाल दो, आप क्यों लोगे? आप कभी भी ना उसको क्या बोलते हैं ना, सिर्फ आप वॉच करो, ठीक है ना, आप उसको दृष्टा भाव शायद बोलते हैं, उस वे को आप सिर्फ वॉच करो, दृष्टा भाव रखो, ठीक है ना, आप कभी भी ये मत सोचो कि मैं ही करता हूँ, तो वो है। खैर, सारा बात तो हो गया, बट अभी भी मुझे नहीं लगता कि हम लोग आज के टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था उसमें किसी ने गेस किया हो या हम लोग उसको अभी तक स्टार्ट किए हैं, पर अभी भी जितना भी डिस्कशन हुआ, जल्दी बता दीजिए ना, फिर हमें भी नींद ही आ रही है, सुन के तो भी नींद आ जाएगी। नहीं तो एक्चुअली आपसे डिस्कशन करने के बाद ना डिस्कशन एक ऐसे मोड में चला गया ना कि अब मेरे को टॉपिक छेड़ने को भी मन कर नहीं रहा एक्चुअली, बट वो टॉपिक है जरूर, सेंसिटिव है, सबको जानना है, ठीक है, तो पर कोई सोच ही नहीं रहा है, जितने भी लोग ऑनलाइन है भी जो सुन भी रहे हैं ना, वो कोई भी गैस वर्क भी नहीं कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, सब कोई ट्विन फ्लेम सर दिल का फिगर बना है, तो ट्विन फ्लेम बस इतना ही लोग सोच रहे हैं, ठीक है, तो ये बात है। बता दो सर आपकी टॉपिक, आप कहाँ से हो? आप दिल्ली से हो ना बेसिकली, अभी आप दिल्ली में हो? नहीं नहीं सर, मैं औरंगाबाद में हूँ, महाराष्ट्र, औरंगाबाद। अच्छा, आप महाराष्ट्र से, ओके ओके, आई कमेंटेड टू टाइम्स, ओके, मैंने पढ़ा नहीं होगा, सॉरी श्रेया, तो उन्होंने पहले क्या लिखा ये मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि उनको बुरा लग रहा है कि उन्होंने दो बार बोला, क्योंकि इतने सारे यहाँ पे नोटिफिकेशंस आ जाते हैं ना कि ऊपर चला जाता है, तो उन्होंने क्या लिखा आई डोंट नो, मेरे को मिल भी नहीं रहा है, बट सीमा ने एकदम सही गैस किया है, दिल्ली कांड बोल रहे हैं ये लिख दिया इन्होंने, तो लिटरली टुडे आज जो मैं थीम बनाया है, ठीक है, आप देख सकते हो एक रेडिश ये है, इसमें एक फिल्टर भी यूज हुआ है, तो थोड़ा सा लाल खून जैसा आपको दिख रहा है, एंड बात ये है कि मुझे तो लड़की का नाम भी नहीं पता, सीमा को शायद बहुत ज्यादा पटता है, साक्षी मर्डर बता रहे हैं वो, yes, तो इसके ऊपर मेरे को एक्चुअली बात करना था, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ले लेते हम लोग बात करने के लिए कि जो भी हुआ आज से एक दो दिन पहले की ये घटना है, ज्यादा पुराना है नहीं, बिल्कुल ताजा इंसिडेंट है, एंड कॉमन मैन का क्या होता है ना कि मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का बीमार होता है कॉमन मैन, और भेड़चाल बुद्धि का होता है, वो बहुत जल्दी इंसिडेंट को भूल जाता है एंड वो दूसरों चीजों में लग जाता है जी। तो कभी भी ऐसा होता है, कुछ भी इश्यूज होता है, तो हम लोग मोमबत्ती लेके सड़कों में चले जाते हैं, एंड थैंक यू सीमा फॉर गेसिंग इट राइट, ओके, तो मोमबत्ती लेके सड़कों में जाना और लड़की के साथ हुआ तो वुमन सोसाइटी जाग जाएगा, लड़का के साथ हुआ तो खैर कोई जागता ही नहीं, हो तो सब मरे ही रहते, तो हिंदू के साथ हुआ तो मुस्लिम जो है ना ये क्या बोलते हैं, हिंदू ने क्राइम किया तो मुस्लिम जाग जाएगा, मुस्लिम ने किया तो हिंदू जाग जाएगा, बस यही तक ही फंसे रहते हैं, पर कोई ये नहीं सोचता है कि जो घटना हुआ, एक लड़की को 17 बार कोई बोलता है, 20 बार हुआ, 21 बार हुआ, उसको स्टैब किया गया, चाकू से स्टैब किया गया, बार बार स्टैब किया गया, एक रोड में, एक गली में स्टैब किया गया, चाकू का वार हुआ उसको, एंड उसके बाद लड़का शायद साहिल नाम था उसका, उसने बाजू में एक पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर लेके लड़की के ऊपर सर में बार बार डाल के सर को भी कुछ कुछ डाला, ठीक है, तो मारना ही नहीं, एक बहुत गलत तरीके से तड़पा तड़पा के सड़कों में दिन दहाड़े शाम का वक्त था ये किया, तो ये जो है ना, इसीलिए मैं ये दिल्ली एनसीआर का जो सोसाइटी है, दिल्ली एनसीआर का जो लोगों का जो माइंडसेट है,
जो थॉट प्रोसेस है ना, इससे मुझे बहुत ज्यादा ताजुब होता है कि कैसे लोग हैं। मैं भी दिल्ली में रहा हूँ, आज से पहले अभी जो हम लोग बात कर रहे थे तो दिल्ली का ही मैं बात कर रहा था, कैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। तो ये चीज अगर मान लो कोई छोटे कस्बे में होता, जैसा मैंने अभी एमपी का बात किया, ये सब तो सबसे पहले तो संभव ही था नहीं कि ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है। और अगर होता भी तो किसी आइसोलेटेड जगह में, कहीं पे जहाँ पे लोगों का भीड़ ना हो, कोई ना देखे, वहां पे जाके ऐसा कुछ होता। पर ऐसा मजाल ही नहीं है कि छोटे कस्बे में, है ना, छोटे गांव में, छोटा शहर में, चाहे सीहोर जैसा मैंने जगह बोला एमपी का, ठीक है ना, जहां मैं बैठ के इंटर्नशिप किया था, वहां पे दिन दहाड़े कोई चाकू लेके, कोई कितना बड़ा ही कोई दबंग क्यों ना हो कि आप ऐसा कर ले, एंड लोग रिवोल्ट भी ना करे, कोई ऑब्जेक्ट भी ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। पांच आदमी जरूर आएगा आपको झापड़ मारने के लिए, आप लड़की को छेड़ दो, उसमें भी जो है ना लोग आगे आ जाएंगे, किसी का आप ऐसे स्नैचिंग वैचिंग करो। पर दिल्ली एनसीआर में कहने की कॉमन प्रैक्टिस हो गया, एंड ये तो अभी इतना ज्यादा ये बढ़ गया है। पर जब मैं था दिल्ली में तब भी माहौल हल्का फुल्का तो ऐसा ही था, ठीक है। एंड इसमें जो हुआ लड़का लड़की के बीच में, इसमें मैं ना ये देख रहा हूँ कि लड़की हिंदू है और लड़का मुस्लिम है, ना मैं ये बोल रहा हूँ कि लड़का जो साहिल नाम था शायद वो कमीना है और लड़की सती सावित्री है, ऐसा कुछ नहीं। लड़की भी तो कुछ ऐसा उसने किया होगा कि सामने वाले को इतना ज्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट कर दिया कि उसने उसको मर्डर तक कर दिया, वो भी इस तरीके से। और लड़का का भी इस ऐसे ही संस्कार मिला होगा परिवार की तरफ से कि प्यार जैसा चीज को, जो वो है ना एक ऑब्सेशन और पागलपंती और इस टाइप का क्राइम के एंगल से वो ले गया। तो इसमें गलती दोनों का है, ठीक है, भले क्राइम हुआ है वो अपने जगह, पर गलती दोनों का है। पर दोनों का गलती होने के बावजूद अगर ये दोनों जन आइसोलेशन में, इंडिविजुअल में, जहां पे सोसाइटी ना प्रेजेंट हो, वहां पे अगर ये सब किए होते ना, तो इस चीज को मैं एक्सेप्ट कर लेता कि ठीक है, लड़का लड़की के बीच में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, मियां बीवी के बीच में जो हुआ हुआ, बात खत्म। पर एक समाज के बीच में अगर आके, ठीक है ना, सड़कों में, खुले ब्रॉड डे लाइट में अगर किसी लड़की का रेप होता है, अगर आपके साथ कोई क्राइम होता है, कोई आपको चाकू मार रहा है, लोगों का कॉन्शियसनेस लेवल इतना ज्यादा कमजोर हो गया है ना कि कोई जाके उसको रोकने का भी प्रयास नहीं करता, ठीक है। लोग ये सोचते कि ये उसके साथ हो रहा है, मेरे साथ तो नहीं होगा ना, मैं तो बुलेट प्रूफ पहना हूं, मेरी लड़की के साथ तो नहीं होगा, मेरा फैमिली मेंबर के साथ तो नहीं। अरे भाई क्यों नहीं होगा, उसी समाज का हिस्सा तुम भी हो, कल उसके साथ हुआ आज तुम्हारे साथ हो जाएगा। और सब बंदा बिजी है आज से, जब मैं इतना साल पहले भी 2003-04 में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का बात कर रहा हूँ, मैं 7-8 तक भी पढ़ाई उधर ही था, तो तब भी ना मैं देखता था ना कि अगर बाइक में जा रहे हैं हम लोग, हमने देखा कि मान लो कोई गिर गया ना, तो हम लोग दौड़ते थे उठाने के लिए, ठीक है। पर दिल्ली का जो लोकल आदमी है, दिल्ली एनसीआर का लोकल आदमी, किसी के पास इतना फुर्सत नहीं है कि बाइक में गिरा हुआ आदमी को भी उठाने के लिए जाए। जो भी लोग बाइक चलाते हैं वो जानता है कि एक बार बाइक अगर आपके शरीर पे गिर जाए तो आप जितना बड़ा पहलवान क्यों ना हो, आपको उठाना बहुत मुश्किल है। या तो आपको ट्रिक आना चाहिए कैसे उठाना है, नहीं तो बाहुबल के दम से आप अपने ऊपर गिरा हुआ बाइक, खास तौर पे जब आपको चोट लगा हो ना, आप उसको उठा नहीं सकते, ठीक है। एंड वैसे में भी कोई मदद करने के लिए नहीं जाएगा, जबकि आप कोई छोटे कस्बे में, गांव में या छोटे शहर में भी आप लगा लो, ठीक है ना, अगर आप ऐसा होता है ना, अननोन आदमी, कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख कुछ नहीं देखेगा, आपको सबसे पहले उठाने जाएगा वहां पे, आपको पानी पिलाएगा, आपको किनारे लगाएगा, बोलेगा भाई सब ठीक है, ख्याल रखो, ध्यान से चलाया करो, क्या करते हो ऐसे, ठीक है। पर दिल्ली एनसीआर में लोग इतना बिजी है, टाइम ही नहीं किसी के पास कि इतना भी करे। तो जो कोई बाइक से गिरता उस समय दिल्ली एनसीआर के लोगों के पास, और लाना तो मैं थूकता हूँ दिल्ली एनसीआर के लोगों के पास, लिटरली थूकता हूँ मैं, इतने घटिया माइंडसेट के लोग हैं। बाप अपने बेटा को सुबह एमसीबीसी का गाली देके जो है ना उसको सुबह उठाता है, अरे एमसीबीसी मेरे को चाय लाया, ठीक है ना। तो जब घर का बाप ही माँ बहन का गाली दे रहा है, तो वैसे में या तो आप क्राइम को फिर इश्यू ना बनाओ, ठीक है ना, दिल्ली में रेप और मर्डर को नॉर्मल कर दो आप, वहां का लेवल ही यही है कि कभी भी किसी का रेप हो सकता है, कभी भी किसी का मर्डर हो सकता है, चलो ठीक है ना।
ये दिल्ली एनसीआर और वेस्टर्न यूपी में ये काफी ज्यादा है ये सब चीजें, पूरा इंडिया एक तरफ, दिल्ली एनसीआर और वेस्टर्न यूपी एक तरफ, ठीक है। अभी रिसेंटली पंजाब भी उसमें चपेटे में आ रहा है लोगों के माइंड सेट, पर मेरा कहना है कि लोगों का कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं, सोसाइटी में आपको हमेशा कॉन्फिडेंस फील होना चाहिए कि समाज है, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, पर्स है, गले में ज्वेलरी है, ठीक है ना, आपके छोटे बच्चे हैं, तो समाज के बीच में आप अगर, हाँ, सुनसान रास्ते में आप चल रहे हो, अंधेरे रास्ते में चल रहे हो, आपके साथ क्राइम होता है, तो समझ में आ सकता है कि ठीक है लोगों ने अकेलापन का फायदा लेके आपसे क्राइम किया, पर ब्रॉड डे लाइट में जहां पे अगर आप वीडियो, मैंने स्टोरी में भी पोस्ट कर दिया है, जैसे मैं सेशन का डिसाइड किया तो मैंने मेरा इंस्टाग्राम फीड में पहला फीड यही आ गया, उस बंद किसी ने पोस्ट किया था किसी दूसरे चैनल ने, तो मैंने अपने स्टोरी में भी शेयर किया, ठीक है। तो आप देखो कि वहां पे ना कम से कम 17-18 बार 20 बार लड़के ने स्टैब किया, लड़की को चाकू मारा, और उतने दफे में बहुत सारे लोग वहां से गुजरा भी है, पर किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाया, सामने वाले के पास कोई गन तो था नहीं, कोई राइफल तो था नहीं कि आप रोकने जाते तो आपके ऊपर फायर कर देता, चाकू ही तो था। अगर आप, ठीक है, आपको लगता कि उसके पास हथियार था, आपके पास उतना भी नहीं है, तो आप पत्थर उठा के उसके ऊपर मार देते, आप लाठी उठा के उसके ऊपर मार देते, हेलमेट होगा किसी के हाथ में, हेलमेट लेके उसके सर पे फोड़ देते, ठीक है, कुछ तो करते, ठीक है, पर किसी ने कुछ नहीं किया, सब कोई देखता रह गया तमाशा। तो ऐसा सोसाइटी में मैं क्या बोलूं यार, आज दिल्ली है, कल कोई और शहर ऐसा हो जाएगा, नोबडी नोज, एंड नाम तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर का बदनाम होता है क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉक्सिमिटी काफी हाई लेवल में, पर रिसेंटली अभी जो बॉम्बे, बैंगलोर है ना, ये सब शहर में भी ये सब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये थोड़ा कम है, जैसे नॉर्थ ईस्ट, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड एंड ईस्टर्न यूपी, बनारस, इलाहाबाद, ये सब में थोड़ा कम है, बट वेस्टर्न यूपी, दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है हम लोग कि थॉट प्रोसेस लोगों का कॉन्शियसनेस लेवल जो है ना कहां तक जा चुका है, उनको फर्क नहीं पड़ता। और दिल्ली में मैंने जो है ना पोस्ट करने के बाद मैंने ये भी शेयर किया था ना कि दिल्ली एनसीआर हैज बीन द वर्स्ट प्लेस टू लिव इन सिंस एजेस, तो आई वाज कंप्लीटली अवेयर मैंने क्या लिख रहा हूं उसमें, क्योंकि दिल्ली वही शहर है जिसको एक जमाने में इंद्रप्रस्थ बोला जाता था, और इंद्रप्रस्थ वही जगह है जहां पे द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था, और द्रौपदी का वस्त्र हरण उसी जगह पे हुआ था जहां पे कि उस जमाने के शूरवीर लोग जो है ना पैदा हुए थे, कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य, पांडव खुद, ठीक है ना, धृतराष्ट्र, आप किनका नाम लोगे उस सभा में, उस सोसाइटी में, ठीक है ना, सब लोग था, और तब सबके बीच में द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ। अगर भगवान श्री कृष्ण का योगदान नहीं होता, अगर वो प्रोटेक्ट नहीं किए होते, द्रौपदी का इज्जत को अगर रखवाला नहीं किए होते, तो द्रौपदी का तो उसी समय एक तरीके से पॉर्न शूट चालू हो गया था सबके बीच में, पॉर्न वीडियो बन गया था, आज के डेट में जो MMS क्लिप्स वगैरह बोलते हैं वो तो लाइव MMS बन गया था वहां पे, है ना। तो प्रभु श्री कृष्ण ने उनका लाज रखा और चमत्कार के जरिए उनको बचा लिया। पर मेरा यह कहना है दिल्ली वही शहर है जहां पे सदियों पहले भी ये होता था, उसके बाद बहुत सारे इन्वेडर्स वगैरह आए, दिल्ली को कब्जा किया, अकबर हुआ, बहुत आई डोंट नो, बहुत सारे लोग का आना जाना, तख्ता पलट होता रहा, पर कभी भी जो गंदगी है दिल्ली का और दिल्ली एनसीआर का वो कभी गया नहीं, और दिन पे दिन बढ़ रहा है, राइट। तो ये गंदगी को अपने घर तक आने से पहले ना आप लोगों को कॉन्शियसली सोच के इसको साफ करना पड़ेगा, नहीं तो कल साक्षी थी है ना, कल कोई और हो जाएगा, आपका कोई करीबी आदमी हो जाएगा।